नमस्ते प्यारे छात्रों, आप सभी का हिंदी साधक श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। हिंदी साधक, जिसमें हम एक से बढ़कर एक संपादकीय लेख हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं के लिए लगातार ला रहे हैं। आज हम क्या लेकर आए हैं, आपको पता ही है। अब हमने संपादकीय लेखों की इमेज देना भी शुरू कर दी है। जो इमीडिएट पिछला हमारा सेशन था, आप कमेंट थ्रेड में सबसे पहला कमेंट देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, ओपन कर लीजिए, आपको इमेज भी मिल जाएगी। तो ये आप ही की मांग थी, हमने वो मांग पूरी कर दी है। आज के हिंदी साधक में भी जो हम संपादकीय लेख लेंगे उसकी इमेज की लिंक आपको दे देंगे, आप ओपन करके पैरेलल जरूर देखें और समझें। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं 22 जून शुक्रवार का हिंदू अखबार। कृपया आप भी, आपके पास कॉपी हो तो निकाल लें, अन्यथा नीचे पिंड कमेंट में जो पहली लिंक है उसे ओपन करेंगे तो आपको संपादकीय लेख मिल ही जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले क्विकली आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगा। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द प्रबोधन मास्टर कोर्स इज अ फैंटास्टिक कोर्स फॉर एनी सिंसियर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी जेन्युइन नॉलेज सीकर। 180 सेशन स्प्रेड फ्रॉम जून टिल मार्च 2019 एंड एक्सेस टिल मे। गो अहेड एंड एनरोल विद फुल कॉन्फिडेंस। इन एडिशन टू दिस, I would also want to show you a completely free program called Tapasya Annual Preparation. As you can see very clearly, Tapasya Annual Preparation एक पूरी तरह से free program है। इस program को तुरंत enroll कर लीजिए, दिखाई दे रही link पर। आइए आज का हिंदी साधक प्रारंभ करते हैं। तो मैंने अखबार निकाल लिया है साथियों, 22 जून का, और मैं आज के पेज क्रमांक, कौन से पेज पर है भैया, ये है पेज क्रमांक 8 पर। आपके लिए इमेज की लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर आप खोल लीजिए। और ये पेज क्रमांक 8 पर मेरे पास दो एडिटोरियल है। मैं पहला वाला लूंगा, डेंजरस स्पाइरल, देयर विल बी नो विनर इन द ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रेड वॉर। ओहो, तो ये ग्लोबल ट्रेड वॉर पर आधारित है। प्यारे साथियों, एक सवाल आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट इज ग्लोबल ट्रेड वॉर, वैश्विक व्यापार युद्ध। आपने विश्व युद्ध का तो सुना होगा, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हम यहां पूछ रहे हैं ग्लोबल ट्रेड वॉर, उसकी परिभाषा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप हमारी करंट अफेयर्स विद पीटी की सीरीज फॉलो कर रहे हैं या नहीं? ca.pteducation.com पर एक पूरी सीरीज चल रही है साथियों, जरूर देखिएगा। और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी हम आपको एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी देने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। चलिए फिलहाल तो आज का काम शुरू करें। डेंजरस स्पाइरल यानी खतरनाक चक्रवात में फंसने वाले हैं या खतरनाक चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। देयर विल बी नो विनर इन द ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रेड वॉर। अभी जो 2018 में ऑनगोइंग यानी वर्तमान में जो जारी है वैश्विक व्यापार युद्ध, इसमें कोई विजेता होने ही नहीं वाला है। ये जो हिंदी साधक सीरीज है ना, ये पूरी तरह से आपके करंट अफेयर को भी दुरुस्त कर देगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान रखें तो इसे बहुत अच्छे से फॉलो करें। और वो इमेज खोल के रखना बेटा, आपको कमेंट में लिंक मिलेगी इमेज की। द ग्लोबल ट्रेड वॉर इज हॉटिंग अप एज मेजर इकोनॉमीज कंटिन्यू टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन ईच अदर। आप जो अंग्रेजी में बोलता हूं उसे सुनिए शांति से और अपने आप भी उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ये जो वैश्विक व्यापार युद्ध धीरे धीरे गर्मा रहा है, जिसमें प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर आयात प्रशुल्क थोपते जा रहे हैं, ये अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया इज द लेटेस्ट टू ज्वाइन द टिट फॉर टैट बैटल बाय स्लैपिंग टैरिफ्स एज हाई एज 50% ऑन द लिस्ट ऑफ 30 गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस। इस लड़ाई में शामिल होने वाला भारत नवीनतम देश बन गया है और उसने हाल ही में अमेरिका से आयातित होने वाले 30 वस्तुओं पर 50% का आयात प्रशुल्क लगा दिया है। तो भारत भी वैश्विक व्यापार युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है भैया। वैसे इसमें सब हारेंगे, ध्यान रखिएगा साथियों। अर्थशास्त्र में गेम थ्योरी नाम की एक चीज होती है, जिसमें जीरो सम गेम, पॉजिटिव सम गेम, नेगेटिव सम गेम होता है। क्या आप हमें तीनों की परिभाषाएं दे सकते हैं? जरूर दीजिए, इंतजार रहेगा। अर्लियर दिस वीक यानी इसी सप्ताह, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट ही हैड ऑर्डर्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू फ्रेम न्यू टैरिफ्स ऑन $200 बिलियन ऑफ चाइनीज इंपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि उन्होंने अपने प्रशासन को आदेश दिया है कि भैया जरा जल्दी से चीनी आयात में $200 अरब की वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर लो। अमेरिका चीन से 500 अरब से ज्यादा का वार्षिक आयात करता है और
उतना उसको निर्यात नहीं कर पाता है। अकेले चीन के सामने, ये मैं अतिरिक्त बातें बता रहा हूं, अमेरिका का व्यापार घाटा है 375 अरब डॉलर, 375 बिलियन डॉलर। भारत का कुल निर्यात दुनिया भर में 375 अरब डॉलर नहीं है। इंडिया हैज नॉट बीन अ ट्रेडिंग नेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, हमें बनना चाहिए, बहुत नौकरियां बन सकती हैं। दिस वॉज इन रिटेलिएशन टू टैरिफ्स ऑन 50 बिलियन डॉलर वर्थ इन अमेरिकन गुड्स इम्पोज बाई चाइना लास्ट वीक इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर टर्म्स अर्लियर राउंड ऑफ टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड। तो ये कदम जो उन्होंने 200 अरब डॉलर पर टैरिफ का उठाया, ये उस कदम के प्रति उत्तर में था जो चीन ने 50 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त प्रशुल्क लगाने का लिया था, जो उस अमेरिकी कदम के उत्तर में था जो अमेरिका ने पहले उठाया था प्रशुल्क लगाने का। कदम दर कदम दर कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वही हो रहा है भैया ग्लोबल ट्रेड। मजा के लगता है एक स्टेज पे, इसने ये कदम उठाया तो मैं ये उठाऊंगा, तो वो ये उठाएगा तो मैं ये उठाऊंगा, साथ मिलकर डूबेंगे दोस्त। द फर्स्ट शॉट इन द स्पाइरलिंग ट्रेड वॉर वॉज फायर्ड बाई यूएस इन मार्च व्हेन मिस्टर ट्रंप अनवील्ड टैरिफ्स। अनवील्ड का मतलब होता है पर्दा उठाना, टैरिफ्स टू डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम इन टू द कंट्री। तो ये विश्व में जो तेजी से गहन बनता जा रहा व्यापार युद्ध है, इसका जो पहला शॉट फायर किया था, जो पहली गोली दागी गई थी धाएं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दागी थी। और वो कब दागी थी? वो उन्होंने दागी थी मार्च के महीने में, जब ट्रंप साहब ने वो प्रशुल्क बताए थे जो अल्यूमिनियम और इस्पात पर अमेरिका में आयातित लगाए जाने थे, जिससे अमेरिका को फायदा पहुंचता। ये समझ गए आप? उसमें भारत भी चपेटे में आ गया, 241 मिलियन डॉलर के हमको भी शुल्क लगाने पड़े, जिसके बदले में हमने अभी 240 मिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा दिए और हमने डब्ल्यूटीओ को इन्फॉर्म भी किया, वो आगे आएगा इसमें। द लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स विल बी इंपोज बाय द यूएस विल बी द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने जो बिल्कुल अभी निर्णय लिया 200 बिलियन डॉलर पर टैरिफ लगाने का, यानी शुल्क लगाने का, ये अभी तक के सारे शुल्क लगाने के आदेशों में सबसे अधिक शुल्क वाला आदेश माना जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? इन ऑल यानी कुल मिलाकर यूएस टैरिफ्स विल नाउ अफेक्ट चाइनीज गुड्स वर्थ $450 बिलियन। टू पुट दिस इन परस्पेक्टिव, टोटल चाइनीज इंपोर्ट्स अमेरिका लास्ट ईयर वर वर्थ अराउंड $500 बिलियन। तो अब कुल मिलाकर अमेरिका ने जो प्रशुल्क लगा दिए चीनी आयातित माल पर, वो 450 अरब डॉलर के माल पर लग चुका है, और जबकि कुल आयात ही 500 अरब डॉलर का है चीन से। मतलब प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो चीन से आने वाले लगभग सारे माल के ऊपर अब आयात शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। तो अमेरिका और चीन तो बिल्कुल सींग से सींग भिड़ाकर लड़ चुके हैं। इसमें नुकसान चीन का बहुत भयंकर होगा, जो भारत के लिए एक तरह से अच्छी खबर होती, अगर हमने अभी जो सरेंडर किया चीन के सामने वो नहीं किया होता। मैंने ऐसा क्यों कहा मुझे बताइएगा आप। द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो ज्वाइन द ट्रेड वॉर दिस मंथ। और इसी महीने यूरोपीय संघ ने बोला मैं कैसे पीछे रह जाऊं, और वो भी कूद पड़ा इस व्यापार युद्ध में, इंपोजिंग टैरिफ्स ऑन 3.3 बिलियन ऑफ अमेरिकन गुड्स। केवल 3.3 अरब डॉलर के अमेरिकी वस्तुओं पर नए प्रशुल्क लगाकर, वो बहुत छोटी मात्रा है, क्योंकि वाइल द इंडिया यूएस टैरिफ टिफ कुड एस्केलेट, टैरिफ टिफ यानी प्रशुल्क का झगड़ा, वाइल द इंडिया यूएस टैरिफ टिफ कुड एस्केलेट द अमाउंट बींग डिस्कस राइट नाउ आर मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल यानी बहुत ही छोटे, कंपेयर टू दोज अंडर थ्रेट इन अनफोल्डिंग यूएस चाइना सिचुएशन और इवन द स्पैट बिटवीन यूएस एंड ईयू। हालांकि भारत अमेरिका के बीच जो प्रशुल्कों को लेकर कहा सुनी अब चल रही है, वो बहुत तेजी से गंभीर रूप ले सकती है, कुड एस्केलेट तेजी से गंभीर रूप ले सकती है। एस्केलेटर होता है ना मॉल्स में, आप उस पर मजे में इठलाते हुए चलते हैं एस्केलेटर पे, ऊपर जाना, तो एस्केलेशन यानी चीजों का बिगड़ जाना, ऊपर जाना। हालांकि एस्केलेटर में बिगड़ने वाली बात नहीं होती है, बट दिस इज द जनरल आइडिया, याद रखने के लिए इजी हो इसलिए बता रहा हूं। अब जो मात्राएं डिस्कस हो रही हैं वो बहुत छोटी हैं, सापेक्ष की अमेरिका चीन का झगड़ा या अमेरिका यूरोपीय संघ का झगड़ा इत्यादि, समझ गए दोस्तों। इंडिया नोटिफिकेशन टू डब्ल्यूटीओ सेज दैट यूएस टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम वुड कॉस्ट इंडिया $241 बिलियन। तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन को अपनी जानकारी भिजवा दी है कि हम जो अतिरिक्त प्रशुल्क अमेरिका पे लगा रहे हैं वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत तो आता नहीं है, तो आपको इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है, इससे 241 मिलियन डॉलर की हमारी आय होगी, और ये अमेरिका ने जो हमारे ऊपर लगा दिए हैं ये उसके बराबर ही हो गया, कमेंसुरेट अमाउंट, लगभग बराबर मात्रा। इंडिया हैज ऑल्सो इंडिकेटेड इट्स प्रेफरेंस टू डील विद द इशू थ्रू डायलॉग एंड नॉट मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स। ये भारत ने बहुत समझदारी का कार्य किया, भारत ने ये कह दिया है कि हम इस पूरे मामले के साथ बातचीत, वार्तालाप, चर्चा के जरिए सुलझाना चाहेंगे, बजाय कदम प्रति कदम, कदम प्रति कदम से। मैंने बताया ना मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स एंड मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स, वो हमको नहीं करना है।
फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट लार्जली इग्नोर द रिस्क ऑफ एन ऑल आउट ट्रेड वॉर अमंग मेजर इकोनॉमी। ये जितने भी वैश्विक वित्तीय बाजार हैं उसमें शेयर बाजार हो गए, बॉन्ड बाजार हो गए, इनमें जो निवेशक थे उन्होंने हमेशा ये बोला कि ये लोग बातें कितनी भी कर लें बड़े बड़े नेता बड़े बड़े देश, लेकिन सच्चे अर्थों में वैश्विक व्यापार युद्ध कभी नहीं हो सकता। लेकिन द थिंग्स आर चेंजिंग क्विकली, अब हालात एकदम से बदलते नजर आ रहे हैं दोस्तों। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल बाय एज मच एज 1.6% ऑन ट्यूजडे व्हाइल द शेंजन कंपोजिट इंडेक्स वाज डाउन 5.8% फॉर द डे। यानी जो डाउ जोन्स इंडेक्स है सूचकांक के स्टॉक मार्केट का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो थोड़ा गिरा, और जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है चीन का उसमें जो शेंजन इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा गिरा। इसका मतलब पहली बार निवेशक लोग स्टॉक मार्केट में बॉन्ड बाजार में ये सोच रहे हैं कि एक वैश्विक व्यापार युद्ध वाकई में हो जाएगा। पिछली बार साथियों 1930 के दशक में बहुत खतरनाक वैश्विक व्यापार युद्ध हुआ था, अब वो एक अलग ही कहानी है। द फ्रेश राउंड ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब होता है उथल पुथल, ये जो बिल्कुल नया चक्र आया है उथल पुथल का। आपको ये हिंदी पूरा हमारा पसंद आ रहा है ना साथियों? अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही हम ये सीरीज जारी रखेंगे, सीधी सी बात है, आप ही के लिए बना रहे हैं। तो हमें कॉमेंट थ्रेड में कन्फर्म कीजिए कि आप इससे सीख रहे हैं, आपने अभी तक के सारे सत्र देख लिए, 27-28 सेशन हमने बना के दे दिए हैं साथियों आपको, आप पूरी प्लेलिस्ट भी देख चुके हैं, आपने लाइक किए शेयर किए कमेंट किए, जरा कंफर्म कर दो तो हमें भी जोश आ जाए और हमें भी लगे कि हाँ सही दिशा में मेहनत हो रही है दोस्तों। इन्वेस्टर्स में भी बिगिनिंग टू टेक थ्रेट्स ऑफ अ ट्रेड वॉर मोर सीरियसली, अब ऐसा लग रहा है कि व्यापार युद्ध के खतरे को निवेशक बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। द फैक्ट इज दैट ऑल साइड्स एंगेज इन अ ट्रेड वॉर इवेंचुअली लूज, सत्य तो यह है दोस्तों कि व्यापार युद्ध में लगे हुए सारे लोग एक न एक दिन हार ही जाते हैं। द लॉन्गर इट गोज ऑन द ग्रेटर द कॉस्ट एज ग्रोथ स्लोस डाउन अंडर द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ टैक्सेस, ये जितना लंबा चलेगा उतना तेजी से विकास वृद्धि दर आर्थिक तेजी से कम होने लगती है देशों में, क्योंकि करों की मात्रा बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, आपने अमेरिका से आज कुछ आयात किया 100 रुपए का, कल को आपने 30% एक्स्ट्रा टैक्स लगा लिया वो हो गया 130, ये भरा आम नागरिकों ने अतिरिक्त 30 रुपया, तो वो जो विकास में लगा सकते थे वो करों में भर दिया। द ओनली गेनर्स इन अ ट्रेड वॉर विल बी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, तो क्या व्यापार युद्ध में कोई जीतेगा? नहीं, बिल्कुल जीतेगा जो निहित स्वार्थी तत्व हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि यूएस स्टील इंडस्ट्री, अमेरिका का जो इस्पात उद्योग है जो पूरी तरह से पिछले 30 सालों में चीन के सामने गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो गया था, विच ऑल्सो हैपन्स टू बी अ मेजर वोट बैंक फॉर ट्रंप। और बड़े दुर्भाग्य की या ट्रंप के लिए सौभाग्य की बात है कि यूएस की जो स्टील इंडस्ट्री है इस्पात उद्योग वो ट्रंप का बहुत बड़ा मतदाता है, वोट बैंक है। इवन रिटेलिएटरी टैरिफ्स इन्हें प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क एम्ड एट पुशिंग बैक अमेरिका में ओनली परपेचुएट द विशियस नेगेटिव सम गेम। अब अगर दूसरे देश भारत यूरोपियन यूनियन चीन ये बोलता है कि हम ट्रंप पर प्रतिशोध के रूप में शुल्क लगाएंगे तो उससे होगा ये कि वो इस नकारात्मक जोड़ के खेल को नेगेटिव सम गेम जिसमें दोनों पार्टियां हारती हैं और अधिक अमेरिका को धक्का दे देगा कि अब तुम भी लगाओ, तो दोनों के दोनों गिरेंगे। मिस्टर ट्रंप्स रिजेक्शन ऑफ द G7 कम्युनिके यानी घोषणा, साथ में की जाने वाली एक उद्घोषणा, दैट एंडोर्स द रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द वर्ल्ड सजेस्ट देयर मे बी नो ऑफर ऑफ ट्रूथ फ्रॉम हिज टाइम एनी टाइम सून। आपको पता ही है कनाडा में 2018 में G7 देशों के जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो अंतिम में घोषणा पत्र आया था, ट्रंप ने कहा मैं उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करूंगा क्योंकि उसकी कुछ चीजें जो मुझे मंजूर नहीं है, और वो घोषणा पत्र मूल रूप से बात करता रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था की, ट्रंप ने मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लड़ाइयां आगे आना बाकी हैं। नेवरदलेस, लेकिन हाल फिलहाल जो भी हो, ग्लोबल पावर्स मस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रिंग एन एंड टू द ऑनगोइंग ट्रेड वॉर बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ हैंड। विश्व की सभी बड़ी शक्तियों को, अमेरिका चीन यूरोप भारत, इस बढ़ते हुए व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए साथ बैठकर प्यार से थोड़ी मिठाई खानी खिलानी चाहिए, ये उसमें नहीं लिखा मैं ऐड कर रहा हूं, ताकि इससे पहले की स्थिति हाथ से निकल जाए हम साथ बैठकर शांति से वार्ता कर सकें। कैसा लगा आपको हमारा आज का विश्लेषण साथियों? इस पूरे लेख की इमेज आपको नीचे एक लिंक दी गई है हमारे कमेंट में, पहले उसको क्लिक करेंगे आप हमारी साइट पर आ जाएंगे, वहां आपको लिंक मिलेगी। ये छात्रों के निवेदन पर ही किया गया है, तो अगर अच्छा लगा तो आपके व्यूज इस विषय पर भी कमेंट थ्रेड में जरूर शेयर करें। जाते जाते आपको मैं क्विकली रिमाइंड कर दूं साथियों, प्रबोधन मास्टर कोर्स एक बहुत ही शानदार कोर्स है, तुरंत एनरोल करें इफ यू आर वेरी सीरियस सिविल सर्विस एस्पायरेंट, जस्ट रिमेंबर दैट दिस कोर्स इज कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड आई ऑल्सो वेलकम यू टू ज्वाइन तपस्या एनुअल प्रोग्राम। इन तपस्या एनुअल प्रोग्राम यू विल गेट एब्सोल्युटली फ्री हैंड होल्डिंग स्टार्टिंग 10th of July। उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा, बहुत जल्द आपसे अगले हिंदी साधक के साथ पुनः भेंट करूंगा। नमस्ते, जय हिंद।